कुछ इस तरह का डेटा है हमारे पास, एम्प्लॉय कोड, डेट, नेम, स्टार्ट टाइम. मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने टोटल 7 एम्प्लॉय रखे हैं. अगर इसी तरह आपके पास 30 एम्प्लॉयज है या 100 एम्प्लॉयज है तो उनकी फर्स्ट डेट की जो एंट्री होगी टाइम वो आपने लिखनी है, और यहाँ उनको लेट चेक करना है कि कितना लेट हुए, और फिर उनकी लेट स्टेटस यानी देखना है कि यहाँ पर लेट में यानी उनका स्टार्ट टाइम ये है और एक्चुअल इन इतने बजे हुए हैं, और उनका जो लेट है वो कितना हुआ है मिनट या आवर्स के अंदर वो हमें देखना है, और उसके बाद उनकी लेट में यहाँ पे हमें चेक करनी है स्टेटस. और अगर आप स्टेटस चेक करने के बजाय आप लेट पॉइंट सेट करना चाह रहे हैं उनके टाइम में तो वो लेट पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, या मैं ये चाह रहा हूँ जो ग्रेटर देन 15 मिनट से ज्यादा लेट है तो वो यहाँ पर उनको लेट शामिल करें और उधर लिखा हुआ जाए लेट, क्योंकि 10 से 15 मिनट कंपनी अलाउ करती है, रिलीफ देती है टाइम का, ठीक है जी. तो अगर 15 मिनट से कम लेट है तो कोई नो लेट लिखा हुआ जाए, और इसके साथ अगर उससे ज्यादा का टाइम उनका है 15 मिनट से तो उधर उनका टाइम लेट लिखा हुआ जाए. तो ये तो हो गया फर्स्ट फैब का. लेकिन इसी तरह अगर डेटा एंट्री हो रही है और यहाँ पर सेकंड में यही डेटा इस तरह से मैं सिलेक्ट करूंगा और रिपीट, ठीक है जी. और यहां से जो वैल्यू हमारी, अच्छा ड्रैग कर दिया तो ड्रैग से चेंज हो गया डेटा, लेकिन सेम डेटा ये मैं इसी इन एम्प्लॉयज के डेटा के ऊपर समझा रहा हूँ, तो इसको मैं कर लेता हूँ कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी पेस्ट, और डेट यहां पर मैं कर दूंगा 2, और फिर इस डेट को सिलेक्ट करके किसी को मैं ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है जी. अब ये हो गया फर्स्ट फैब का, फिर टाइम इन आउट, और फिर सेकंड फैब जो नेक्स्ट डे होगा उनका टाइम इन आउट, फिर इसी तरह कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ये पूरे बंद का रिकॉर्ड बन जाएगा आपका, ठीक है जी. थर्ड फैब का हो गया, ठीक है जी, और इसको भी ड्रैग कर दिया. तो 3 दिन का ये मैं इसमें समझा रहा हूँ, इसी तरह मंथली पूरा डेटा मेंटेन अगर कर रहे हैं रिकॉर्ड, और उसके बाद जो पूरे मंथ का रिकॉर्ड आ रहा है हर एम्प्लॉय का हमारे पास इस शीट पे, अब अलग एक शीट पे या इसी शीट पे उन एम्प्लॉय का पूरे मंथ में कितना लेट रहा ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है जी. यानी समरी भी बनानी है इसकी डाटा की. तो पहले तो ये लेट वगैरह चेक करने के फॉर्मूले देख लेते हैं कौन से किस तरह से यूज होंगे, और फिर मंथली जब सैलरी बनती है तो उसमें इनका लेट काउंट होगा, तो कितना लेट हुए ग्रेटर देन 15 मिनट से ये वो देखना है हमें, तो उसके लिए कौन से फॉर्मूले लगेंगे वो मैं बताऊंगा. तो इस तरह इस हवाले से पूछा गया था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर किया जाए फॉर्मूले को, इस तरह की कंडीशन में फिर कैसे कैलकुलेशन की जाएगी, ठीक है जी. तो ये क्राइटेरिया पहले हम सॉल्व करते हैं अपना मंथली रिकॉर्ड वाला, फिर उसके बाद जो पूरे मंथ का डेटा हमें चेक करना होगा कितना लेट हुआ इनका, उस हिसाब से हमें पे करनी है, डिटेक्शन करनी होती है सैलरी वगैरह की, तो वो किस तरह से की जाएगी ये सॉल्व करेंगे आज, ठीक है जी. तो स्टार्ट टाइम मिसाल के तौर पर जो भी शिफ्ट वगैरह होंगे वो आप सेम टाइम है, शिफ्ट चेंज हो रही है तो आप एंट्री कर सकते हैं. मैं रिपीट कर रहा हूँ 9 AM सबका टाइम है, ठीक है, टाइम इन होने का. अब उसके बाद अगर कोई लेट हो रहा है टाइम इन तो उसका यहाँ पे हमें टाइम एक्चुअल जिसने वो इन हो रहे हैं उनका यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम. अब यहाँ पर जो इन टाइम होगा वो हमें एंट्री करनी है यहाँ पर जिसका जो टाइम इन होगा, और ये भी मैंने बता दिया कि 15 मिनट का रिलीफ है, 15 मिनट से कम अगर लेट है यानी 10 मिनट पे कोई 9-10 बार आ रहा है तो वो लेट नहीं है, ठीक है, कंपनी की तरफ से रिलीफ है. और अगर कोई 15 मिनट से ज्यादा लेट होगा तो वो उनका जो होगा लेट शामिल किया जाएगा, और पूरे मंथ में जब चेक किया जाएगा तो कितना लेट हुआ ये फिर हमें टोटल में कैलकुलेट करनी है. तो ये डेटा मैंने कंप्लीट कर लिया, फिल कर लिया, एंड तक कितने बजे आए एक्चुअल में, और इनका लेट देखना है हमें लेट काउंट करने के लिए इक्वल इफ लगाएंगे एक्चुअल को, हम कहेंगे अगर ये लेस देन है इसके कॉमा तो रिटर्न में 0 कर दें, नहीं तो कॉमा के बाद वैल्यू फॉल्स में एक्चुअल को माइनस कर दें स्टार्ट एंटर. अब देखेंगे कम है टाइम इससे तो लेस देन हो गया 0, और फिर जब ड्रैग करेंगे हम यहाँ पर तो ये ज्यादा होगा तो इसको माइनस करेगा इससे, तो जो मिनट्स होंगे इनके ओवर लेट वाले वो लिखे हुए आ रहे हैं, लेकिन ये लेट शामिल नहीं किया जाएगा, इसको चेक करने के लिए लेट काउंट करेंगे. अभी हम मैंने बताया 15 मिनट से ज्यादा होंगे वो लेट काउंट होंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे इक्वल इफ, और इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें इफ फंक्शन लगाया लेट बाय का फर्स्ट सेल, और इसको हम कहेंगे ये लेस देन है वैल्यू वैल्यू फंक्शन, और लेस देन है इन्वर्टेड कॉमा में दे देंगे 0 और 0 के बाद 15, और फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, और वैल्यू इफ टू क्या होगी नो लेट, लेस देन 15 होगा तो यहां पर हमें प्रिंट करना है नो लेट, ठीक है जी, नो लेट, और फिर वैल्यू कॉमा लगाएंगे तो वैल्यू इफ फॉल्स में यहाँ पे जो भी आपको प्रिंट करना है देखना चाह रहे हैं जो लेट टाइम होगा ग्रेटर देन 15 मिनट्स, तो यहाँ उनका मैं लिख रहा हूँ लेट टाइम, आप सिर्फ लेट देखना है तो लेट लिखें, फिर इनवर्टेड कॉमा और ट्रू कंडीशन और फॉल्स, दोनों हमने ट्रू और फॉल्स कंडीशन बता दी, ब्रैकेट क्लोज इंटर. अब लाजमी कोई कॉमा की या कोई सेमी कॉलन की कोई मिस्टेक होती है तो यहाँ पर फॉर्मूले में फिर रिटर्न एरर होता है, तो एरर देखना है चेक करना पड़ेगा कहाँ पे क्या मिस्टेक डबल की. इक्वल इफ कंडीशन लगाई हमने फर्स्ट लेट बाय लेस देन वैल्यू, अच्छा यहाँ पर देखेंगे जो हमने कॉमा लगाया या कॉमा नहीं आता टाइम वैल्यू के लिए कॉलन आता है, ठीक है, बाकी फॉर्मूला सही है इंटर, ठीक है जी. अब लेस देन है ये 15 नो लेट, यहाँ पे भी नो लेट होगा 35 होगा, वहाँ लेट टाइम लिखा हुआ है, ड्रैग करके चेक कर लेते हैं सेल के एंड पे आएंगे और इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे, ठीक है जी. लेट टाइम लेट लेट 10 मिनट से नो लेट, 20 मिनट से लेट टाइम, ये हो गया. ये काम करने के बाद अब मंथली समरी बनानी है, मैं इसी शीट पर बता रहा हूँ. अब काउंट लेट इस तरह से करना है कि जिसके जितने काउंट है उनके नाम के साथ लिखा हुआ आ जाएगी 15 मिनट से जो ज्यादा लेट आए उनके टोटल इतने. यहाँ पर हम लेट काउंट कर लेते हैं, काउंट लेट ओवर 15 मिनट से ग्रेटर देन 15 मिनट कर लेते हैं, ग्रेटर
greater than 15 मिनट, ठीक है जी। ये हमें देखना है, चेक करना है और इस कॉलम में, और यहाँ जो नेम यूनिक वाले होंगे, जो मैंने बताया था कि पूरे महीने का रिकॉर्ड जो है हम एक ही शीट पे मेंटेन कर रहे हैं, उसके बाद रिपीट हो रही है टू डेट थ्री डेट, तो पूरा मंथली जो होगा उनका यूनिक नाम आप उठा लेंगे कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी, ठीक है जी। एक चीज का ख्याल रखिएगा, मैंने फिर बता दिया मुझे समरी रिपोर्ट इसी शीट पे यानी लेट काउंट की देख रहा हूँ, आपको अगर अलग शीट बनानी हो तो आप अलग शीट पे या प्लस क्लिक करके ऐड करेंगे उधर जाके काम कर सकते हैं। जो फॉर्मूला हमें लगाना है वो देख लें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसके लिए यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल काउंट इफ्स ब्रैकेट ओपन क्राइटेरिया रेंज, यहाँ पे ऑल कॉलम जो हेडिंग्स आ रही है इस एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हेडिंग के पास क्लिक करेंगे, ऑल एम्प्लॉय नेम जो सिलेक्ट, कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पर क्राइटेरिया वन पूछेगा, क्राइटेरिया वन में जो फर्स्ट नेम है इसको सिलेक्ट कर लिए, फिर कॉमा क्राइटेरिया रेंज टू, लेट देखना है तो यहाँ लेट किसमें आ रहा है, ये जो कॉलम लेट का है मेरे पास जिसमें इफ कंडीशन लगाई थी, एंटायर कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे हेडिंग के पास से, फिर कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पूछेगा क्राइटेरिया टू क्या है, तो यहाँ पर हमें लेस देन जो है वो सॉरी ग्रेटर देन जो है वो 15 मिनट चेक करने थे, इनवर्टेड कॉमा में हम ग्रेटर देन और 00 फिर सेमी कॉलम फिर 15 मिनट फिर सेमी कॉलम और फिर उसके बाद फिर 00 फिर इनवर्टेड कॉमा और ब्रैकेट की लोस, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे जो इस लेट के अंदर ग्रेटर देन 15 मिनट्स होगा उसका ये टोटल काउंट करके हमें आंसर देगा कि कितनी दफा ये लेट हुआ। तो फरहान का जो टाइम है वो एक दफा भी लेट नहीं है, वक्त से पहले आ जाते हैं, ठीक है जी। 10 मिनट लेट हुए तो मैंने बताया था कोई लेट शामिल नहीं है, 10 मिनट कंपनी की तरफ से दिए हैं, फिर 9 बजे इन हुए, 3 दफा का टोटल 3 तारीख का ये रिकॉर्ड ये मैंने बता दिया था, पूरा मंथली होगा तो पूरे मंथ की समरी यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर्मूले से कितनी लेट हुए हैं ये इस मंथ के अंदर। सबसे ज्यादा लेट ये मुन्ना हुए हैं, इनको देख लेते हैं कहाँ पर हैं, ठीक है 9:35 मिनट लेट, फिर आए एक घंटा 10 मिनट लेट और फिर इसी तरह लास्ट में आ गए 30 मिनट। तो इस तरह ये रिकॉर्ड आपका पता चलता है। अक्सर कंपनीज के अंदर जो 3 डेज लेट होते हैं उनकी 1 डे की सैलरी डिटेक्शन होती है, तो यहाँ पर अगर आप चाहेंगे 3 दिन का जो रिकॉर्ड है जिनका या 6 दिन का, 3 दिन का तो यहाँ लिखा हुआ है 6 दिन का है, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है यानी 2 दिन की सैलरी गई इनकी, तो इसको इस तरह देखने के लिए ये काउंट इफ लगाया, इसको हम एंड में जाएंगे यहाँ ब्रैकेट क्लोज के बाद डिवाइड कर देंगे 3 और इसको फिर ट्रैक करेंगे, तो जहाँ 3 होगा तो उनका 1 दिन का शामिल होगा, यानी पूरे मंथली अगर आप समरी देख रहे हैं तो यहाँ पर तो इनकी 1 दिन की सैलरी गई है क्योंकि ये 3 दिन लेट हुआ, तो इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। अपने अपने हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं, मैं जो कैलकुलेशन और फॉर्मूले थे वो मैंने इसके अंदर समझा दिए कि लेट कंप्यूट करनी है 15 मिनट ग्रेटर देन की तो किस तरह से काउंट की जाएगी पूरे मंथ में, उसको क्लोजिंग के वक्त किस तरह चेक किया जाएगा कितने मंथ में कितने दिन लेट हुए हैं, तो इस तरह से ये सब कैलकुलेशन की जा सकती है।